हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। और मैं हूँ अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मेरे चैनल पर आप सभी के लिए एससीए के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेकर आती हूँ। या तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एक स्पेशल एग्ज़ाम जो होता है आपका, वो एक एससीए का एग्ज़ाम होता है, या फिर हमारे जैसे नेशनल इंटरनेशनल डेज जो हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उन पर जो है कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं अलग अलग तरह के। तो उसी में एक ऐसे कॉम्पिटिशन भी होता है, तो उस पर आपको एक स्पेशल थीम दी जाती है, टॉपिक दिया जाता है ऐसे राइटिंग के लिए। तो ऐसे ही मैं आपको उन सभी ऐसे की जो है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका कॉम्पिटिशन का लिंक प्रोवाइड करा देती हूँ, और ऐसे तो मैं आपको करा ही देती हूँ। तो ऐसे ही हमारा जो आज का टॉपिक है, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो है 1 मार्च से 7 मार्च तक जो है जन औषधि वीक है ना, सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसकी जो 2021 की जो थीम है वो है टीच देम यंग। तो उस पर अभी एक माई गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक नेशनल लेवल पर ऐसे कंपटीशन होने जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि या तो 14 इयर्स या फिर उससे अबव के लिए है। तो इसमें आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, जेनरिक ड्रग्स, जन औषधि केंद्र और जन औषधि। तो उसी में से एक टॉपिक जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, टॉपिक नंबर 2 पर मैं आपके लिए ये एससीए लेकर आई हूँ। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसमें जो है ये आपको 500 वर्ड्स में प्रोवाइड कराना है, जिसकी लास्ट डेट है 3rd of March। और इसमें मैं बता दूँ आपको, जो इसका फर्स्ट विनर होगा उसकी जो प्राइज़ मनी है वो है 5000, सेकेंड विनर के लिए है 3000 एंड थर्ड विनर के लिए है 1500। तो ऐसे ही हमारा यही टॉपिक क्यों लिया गया, क्योंकि जन औषधि वीक सेलिब्रेट किया जाता है, और हम सभी जानते हैं भारत में बढ़ती महंगाई और कम आमदनी के कारण, यानी कि जो कम इनकम है उसके कारण बहुत से लोग हैं जो अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से नहीं करा पाते, और बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिंस के खर्चे से वो पहले ही जो है डर जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को समझते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, जो कि 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसी पर हमारा आज का एससी का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपनी साइड से कुछ अच्छा लिखने की कोशिश की है, आई होप ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। इससे आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक जो है ये, इसमें आपको हिंट ज़रूर मिलेगा कि किस तरीके से आपको ये लिखना चाहिए। तो ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे ऐसे प्रोवाइड कराती रहती हूँ। अगर आपको मेरा ये वाला ऐसे भी पसंद आएगा, तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। या फिर अगर आपके घर में कोई और स्कूल स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस एसे के बारे में अपना फीडबैक मुझे देना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा एसे, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन एंड लो इनकम इन इंडिया, मैनी पीपल आर अनेबल टू गेट देयर ट्रीटमेंट। एवन नाउ डेज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू अफोर्ड हिज ट्रीटमेंट, एंड इट दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव मेडिसन्स फाउंड इन द शॉप्स। मैनी पीपल आर सो अफ्रेड ऑफ एक्सपेंसिव ड्रग एक्सपेंसिस दैट दे डू नॉट एवन गेट देयर ट्रीटमेंट डन। At the same time, realizing this problem of the people, the government has launched a new scheme for them. Pradhan Mantri Jan Aushadhi Scheme has been launched by the government of India for those who are unable to bear the burden of more expensive medicines. The scheme was announced by Prime Minister Narendra Modi on 1st July 2015. This scheme will help not only the poor but also the people of middle class families. According to this scheme, people will be given cheap medicines. You can easily take these medicines from any Jan Aushadhi Kendra opened by the government. Under the scheme, the government will create Jan Aushadhi Kendra where generic medicines will be sold to the general public. फिर हम, जैसा कि हमारे हर एसे में एक कोटेशन ऐड करते हैं, या तो वो आप खुद से बना के ऐड कर सकते हैं कुछ अच्छी लाइंस, या फिर हम सर्च करके भी लिख सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान इज टू मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ जेनरिक मेडिसन्स एंड टू टेल दैट
दीज मेडिसन्स आर ऑल्सो सिमिलर टू ब्रांडेड मेडिसन्स, ऑल्सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन इट्स क्वालिटी एंड दे आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट. ऑफ्टन डॉक्टर्स आस्क पेशेंट्स टू टेक ब्रांडेड मेडिसन्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी फ्रॉम द कंपनी ऑफ दैट मेडिसन. ऑन द अदर हैंड, इफ यू टेक जेनरिक मेडिसन देन यू विल गेट दिस मेडिसन एट अ प्राइज ऑफ 60-70% लेस देन ब्रांडेड मेडिसन्स. एनी पर्सन कैन अप्लाई टू स्टार्ट अ जन औषधि केंद्र, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. हॉस्पिटल्स, एनजीओस, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स एंड जनरल पब्लिक कैन ओपन ड्रग सेंटर्स इफ यू आर सम एससी और एसटी कैटेगरी और डिफरेंटली एबल्ड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 50,000. अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, इफ अ पर्सन ओपन्स दिस सेंटर, ही विल बी गिवन इनकम फॉर 1 year बाय द गवर्नमेंट. 10% ऑफ द सेल ऑफ द सेल इन द ईयर विल ऑल्सो बी गिवन एज एन incentive by the government. On the other hand, if a Naxalite opens a store in the affected area, it will get a margin of up to 15%. At the same time, the incentive amount will be 15,000 rupees in the Naxalite affected area. You can also do your business through Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra. So guys, ये था हमारा essay. आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आपको किसी और टॉपिक पे ऐसे चाहिए तो प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगी वो प्रोवाइड कराने की. आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.